नमस्ते दोस्तों, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल मैगी। तो उसके लिए हम सारे सब्जियों को एकदम पतला काटने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च को काट लिया है, फिर गाजर काट लेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज, इन सबको एकदम बारीक काट लेंगे। तो सारी सब्जियां हमने काट ली है। अभी एक पैन में ले लेंगे हम तेल और उसी तरह से बटर ले लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि ये प्याज और टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। और फिर इसमें हम डाल देंगे बाकी की सब्जियां, शिमला मिर्च, मकई के दाने और गाजर। इसको हमें सौते करना है कुछ मिनट के लिए ताकि ये एकदम अच्छे से भून जाए सारी सब्जियां। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, जो मैगी के लिए जितना पानी हम डालते उतना पानी हमें डालना है। और फिर डाल देंगे इसमें मैगी मसाला। अभी इसको हम बॉईल होने देंगे पानी को। तो ये पानी देखिए बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे मैगी नूडल्स। इसको हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसको अभी हम ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैगी हमारी अच्छे से पक जाएगी तब तक। तो ये देखिए मैगी पक गई है और सब्जियाँ भी सारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी हम थोड़ा सा फ्लेवर इसमें और डाल देंगे। तो हम डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। तो ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैगी तैयार हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।